हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन ईजमेंट एक्ट शुरू किया था, जिसमें हमने सेक्शन 4, 5 और 6 कवर किए थे। तो हमने उसमें बेसिकली ईजमेंट को समझा था कि ईजमेंट क्या होता है। तो ईजमेंट में हमने ये जाना था कि जब डोमिनेंट ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर कुछ राइट्स रखता है, जिसको कि हम ईजमेंटरी राइट्स बोलते हैं। तो हमने चार चीज़ें इसमें समझ ली थी कि डोमिनेंट ओनर कौन होता है, डोमिनेंट हेरिटेज क्या होती है, सर्वियंट ओनर कौन होता है, सर्वियंट हेरिटेज क्या होती है। आज के लेक्चर में हम रेस्ट्रिक्टिव ईजमेंट को पढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 7 में इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के। तो देखिए, रेस्ट्रिक्टिव ईजमेंट एक तरीके के नेगेटिव ईजमेंट है। हमने जैसे जब सेक्शन 4 में हम डेफिनेशन देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एक तो ये राइट होता है लैंड ओनर के पास कि वो सर्वियंट हेरिटेज पे कुछ कर सके, ठीक है, कुछ पॉजिटिव राइट्स होते हैं। और एक ये राइट होता है कि वो सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर जो सर्वियंट ओनर है उसको कुछ करने से रोके। ईजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। तो ये जो सेक्शन 7 है, ये बेसिकली नेगेटिव ईजमेंट की बात करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो वही है, टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग इन द लैंड विच इज नॉट द ओन लैंड ऑफ डोमिनेंट ओनर। तो यहाँ पर डोमिनेंट ओनर क्या कर रहा है, सर्वियंट ओनर को कुछ करने से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। डोमिनेंट ओनर यहाँ पर सर्वियंट ओनर को कह रहा है कि आप कुछ चीजें हैं जो नहीं करेंगे, ताकि मेरा जो इजमेंट्री राइट है वो इफेक्टेड ना हो, मेरा जो प्रॉपर्टी का जो बेनिफिशियल इंजॉयमेंट है वो अफेक्टेड ना हो, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि जब भी एक डोमिनेंट ओनर के पास कोई प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पर डोमिनेंट हेरिटेज बोल रहे हैं, तो उसके पास दो राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 7, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लॉज ए में और क्लॉज बी में, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग एग्जांपल्स से हम समझ लेते हैं, जो कि आपके बेयर एक्ट में ही दिए हुए हैं। तो पहला क्लॉज ए जो इसमें है वो ये कहता है एक्सक्लूसिव राइट टू इंजॉय। तो जब भी डोमिनेंट ओनर के पास कोई प्रॉपर्टी आती है, डोमिनेंट हेरिटेज आती है, तो उसके पास उस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली इंजॉय करने का राइट भी आ जाता है। तो अब इसमें क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या इसमें एग्जांपल्स हैं, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला दिया हुआ है राइट ऑफ एवरी ओनर टू बिल्ड ऑन हिज लैंड सब्जेक्ट टू म्युनिसिपल लॉ इन्फोर्स। तो देखिए, जब डोमिनेंट ओनर के पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है एज अ डोमिनेंट हेरिटेज, तो उसका ये राइट बन जाता है, उसका उस पर कंप्लीट राइट बन जाता है। और वो चाहे तो उसके ऊपर, सपोज उसके पास लैंड आई है तो उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकता है, चाहे वो डबल स्टोरी बनाए, चाहे ट्रिपल स्टोरी बनाए, लेकिन जो भी म्युनिसिपल लॉ एप्लीकेबल होंगे उस एरिया में वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जो एग्जाम्पल बी है वो कहता है कि राइट ऑफ एवरी ओनर टू टेक प्योर एंड फ्रेश एयर विदाउट बीइंग पॉल्यूटेड बाय अदर पर्संस। तो ये यहाँ पर जो लैंड ओनर है, जो डोमिनेंट ओनर है, उसका ये राइट बन जाता है कि वो प्योर और फ्रेश एयर को इनटेक करे विदाउट बीइंग पॉल्यूटेड बाय अदर पर्सन। उस एग्जाम्पल सी है वो कहता है कि इट इज़ द राइट ऑफ एवरी ओनर दैट इज फिजिकल कम्फर्ट शैल नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय नॉइज और वाइब्रेशन कॉज्ड बाय एनी अदर पर्सन। जो भी डोमिनेंट ओनर है, ये उसका राइट है कि वो उसका जो भी फिजिकल कम्फर्ट है उस पर किसी भी प्रकार का इंटरप्शन किसी और के द्वारा ना हो, वो उस अपनी प्रॉपर्टी में पीसफुली रह सके। एग्जाम्पल डी जो है वो कहता है राइट ऑफ एवरी ओनर दैट लाइट एंड एयर पास वर्टिकली टू हिज हाउस लैंड। इस एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि जो भी एयर स्पेस होता है, देखिए वहाँ से उसको क्या मिल रहा है, लाइट मिल रही है, एयर मिल रही है। तो ऐसा नहीं है जो सर्वियंट ओनर होगा वो जो है अपने प्लॉट पे इस तरीके का कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दे कि उसकी जो वर्टिकल लाइट है, जो वर्टिकल एयर है, वो हिंडर्ड हो जाए। इस तरीके से जो डोमिनेंट ओनर है उसका ये राइट है कि जो भी एयर और लाइट उसको वर्टिकली मिल रही है, ऊपर से जो आ रही है, वो उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एग्जांपल ई कहता है द राइट ऑफ एवरी ओनर दैट हिज लैंड हाउस शैल हैव नेचुरल सपोर्ट रेंडर्ड बाय सबजेसेंट एंड एडजेसेंट सोइल ऑफ अनदर पर्सन। एक डोमिनेंट ओनर का ये भी राइट है कि जो उसकी
लैंड को या हाउस को एडजेसेंट सपोर्ट मिल रहा है किसी और की सॉइल से, किसी और की लैंड से जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो कंटिन्यू उसको मिलता रहे। और सर्वियंट ओनर इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि वो सपोर्ट उसका इंटरप्ट हो जाए, वो सपोर्ट उसका हिंडर्ड हो जाए। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल थे जो कि एक्सक्लूसिव राइट टू इंजॉय में आएंगे। इसके बाद जो उसका अगला राइट है वो है राइट टू एडवांटेजेस अराइजिंग फ्रॉम सिचुएशन। तो कुछ एक लैंड ओनर को जो है फायदे मिलते हैं बीइंग अ डोमिनेंट ओनर, तो उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये दिया हुआ है आपके एफ टू जे तक, जो भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें ये हैं एफ टू जे तक। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं एफ का। Right of every owner that the water which passes through his land should not be unreasonably polluted by other person. ये हर एक dominant owner का right है कि जो भी natural water source उसकी land से गुजर रहा है वो natural water source जो है किसी और व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि servant owner के द्वारा, किसी भी रूप में unreasonably polluted नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको ये right है कि वो clean and fresh water अपने पर्पस के लिए यूज कर सके। एग्जाम्पल जी इसमें कह रहा है राइट ऑफ एवरी ओनर टू कलेक्ट एंड डिस्पोज द वाटर अंडर द लैंड और ऑन द सरफेस व्हिच डज नॉट पास इनटू डिफाइंड चैनल। अब इस एग्जाम्पल में ये बता रहे हैं कि जो डोमिनेंट ओनर है उसका ये राइट है कि मान लो सपोज उसकी जो लैंड है उसके ऊपर अगर कोई पानी जमा हो जाता है या उसके नीचे कुछ पानी जमा हो जाता है जिसकी कोई निकासी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है मेन चैनल में या किसी नदी में, उसका कोई भी ड्रेनेज नहीं है, तो उस केस में वो उस पानी को डिस्पोज कर सकता है। और इसमें जो है जो सर्वेंट ओनर है या अदर्स के द्वारा जो उसके एडजेसेंट नेबर्स हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट राइट है राइट ऑफ एवरी ओनर दैट एवरी नेचुरल वाटर सोर्स दैट पासिस बाय थ्रू और ओवर हिज लैंड शैल नॉट बी इंटरप्टेड बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसके बाद ये जो एग्जाम्पल एच है ये कह रहा है कि ये हर एक लैंड ओनर का राइट है कि जो भी नेचुरल वाटर सोर्स उसके लैंड से पास हो रहा है या उसकी लैंड के ऊपर पास हो रहा है तो वो जो है कंटिन्यू पास होता रहेगा, वो उसको कंटिन्यू ऐसे ही इंजॉय करता रहेगा विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय एनी अदर पर्सन। उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा, ना तो उसकी क्वांटिटी घटेगी, ना उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ना घटाया जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी इंटरप्शन उस नेचुरल वाटर सोर्स पर नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कहता है राइट ऑफ एवरी ओनर हुज लैंड इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट दैट नेचुरल वाटर दैट लाइक एग्जाम्पल वाटरफॉल फॉलिंग इन इट शैल बी अलाउड बाय द ओनर ऑफ लोअर लैंड टू रन नेचुरली। देखिए इस एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज दो एडजेसेंट लैंड्स हैं, एक थोड़ा ऊपर लेवल पे है और एक थोड़ा नीचे लेवल पे है। ठीक है, तो सपोज कोई वाटरफॉल है, एग्जाम्पल के लिए हम वाटरफॉल ले लेते हैं, तो वो नीचे की ओर बह रहा है तो पहले वो अपर लैंड पे जाएगा, फिर उसके बाद लोअर लैंड पे जाएगा और उसके बाद वो फर्दर नीचे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यही बात कर रहा है कि जो वाटर सोर्स ऊपर से बहता हुआ आ रहा है अपर लैंड से नीचे की ओर, तो ये जो नीचे वाला जो लैंड ओनर होगा वो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे कि उस पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो बनाए रखना है। जो सर्वियंट ओनर है या जो एडजेसेंट ओनर है उसको इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि उस नेचुरल वाटरफॉल का जो नेचुरल फ्लो है वो किसी भी प्रकार से इंटरप्ट हो जाए। जो जैसा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जे राइट ऑफ एवरी ओनर दैट ही मे यूज द नेचुरल वाटर सोर्स abutting his land in any manner he likes. देखिए इस एग्जाम्पल में भी यही कह रहा है जो भी नेचुरल वाटर सोर्स डोमिनेंट हेरिटेज से लगता हुआ बह रहा है तो ये डोमिनेंट ओनर का राइट है कि वो उस वाटर को यूज कर सकता है। सपोज कोई रिवर है और जो रिवर है वो डोमिनेंट हेरिटेज के बगल से बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट ओनर है उसका ये राइट है कि उस रिवर से वो पानी ले सकता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, अपने घर के कामों को करने के लिए, अपने कैटल्स को पानी देने के लिए या अपनी लैंड को इरिगेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सब करने में
कंडीशन ये है कि उसको दूसरे को इंजुरी नहीं पहुंचानी है, जो भी उसकी तरह अदर ओनर्स है जिनकी बाउंड्री जो है उस रिवर से लगती है, तो उनको वो इस किसी भी टाइप से इंटरप्ट या उनको वो किसी भी तरीके से इंजुरी नहीं पहुंचाएगा। तो ये कुछ राइट थे, नेगेटिव राइट्स हम इनको कह सकते हैं, जो कि सेक्शन 7 में दिए थे। तो ये आज हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।